रहे हैं कैंटीन पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सो है वो सब गाइस के सो आप लोग अब क्या आप सब बड़े हो गए। सो गाइस मेरा नाम है फैसल रायो और मैं उत्तर प्रदेश केराना डिस्ट्रिक्ट शामली से बिलोंग करता हूँ। सो गाइस आप लोग शायद मुझे जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने इस चैनल पर पहले कॉमेडी स्टार्ट की थी, कॉमेडी वीडियो हम लोग डालते थे जिसपे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सो गाइस हमारे जो टीम है वो अभी चली गई है, बट अभी मैं अकेला बचा हुआ हूँ, इसलिए मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। सो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो प्लीज़ गाइस जैसे आप लोगों ने पहले मुझे सपोर्ट किया था और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देता है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें भी ऐसे प्यार करे और ऐसे सपोर्ट करे। सो गाइज अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने सारी चीज़ आप लोगों को बता दी है और अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, क्योंकि वहाँ जामा मस्जिद पे वहाँ पे कैंटीन है और काफ़ी अच्छा है एंड खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है वहाँ, तो अभी भूख भी लगी है और तो हम जा रहे हैं सीधे कैंटीन पे और फिर उसके बाद जाकर हम देखते हैं हम लोगों को जाना कहाँ है। सो गाइज मिलते हैं कैंटीन में। सो भाई अभी हम जा रहे हैं कैंटीन पे और जामा मस्जिद से हम होते हुए कैंटीन पर जाएंगे सीधे, और यार बहुत ही भूख भी लगी है ना भाई, तो इसलिए थोड़ा सी पेट पूजा हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है हम लोगों को। सो यार मुझे नहीं पता कि भाई मैं कैसा एक्सपीरियंस दे पा रहा हूँ एंड कर भी पा रहा हूँ अच्छे से कि नहीं पा रहा हूँ, बट बाय द वे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड जो भी हो बट प्यार देने वाले तो आप ही लोग हो ना भाई। और गाइस ये हर बंदे का सपना होता है कि भाई कोई बंदा भी कोई भी हो यार, वो भी चाहता है कि भाई मैं भी एक अच्छे से बाइक लूँ, मैं भी एक सेटअप लूँ और फिर मैं भी राइडिंग करूँ या ब्लॉगिंग करूँ, एंड हर बंदे का सपना होता है भाई एंड ऊपर वाला सबका पूरा करेगा भाई सपना। तो भाई मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वक्त और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है भाई, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ब्लॉगिंग करते हुए कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भाई आज से, और बस आप लोगों के दे रहे भाई, आप लोग प्यार दिखाओगे तो बात बनी जाएगी भाई, कितना ऊंचा ब्रेकर था ना यार। सो गाइस अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से वो 4 से 5 किलोमीटर है और वहाँ पे जाकर हम लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं यार कहाँ जाना है, क्योंकि कोई डिसाइड ही नहीं किया हुआ है भाई क्या जाना कहाँ है। तो गाइस कोई भी अगर कोई भी भाई हो कोई भी बंदा हो ना, तो गाइस अगर वो राइड वगैरह करता है या फिर बाइकर से, तो उसको हमेशा रोड पे बाइक देख कर चलानी चाहिए, क्योंकि अक्सर बड़े वाहन जो होते हैं ना तो इनकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं भाई। और यार मेरी वॉइस पता नहीं क्लियर आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैंने अडेप्टर ऑर्डर किया हुआ है गाइस, तो इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं भाई जैसे कैसे करके, हमें पता है बस, क्योंकि अडेप्टर हमने ऑर्डर किया हुआ है गोप्रो का और वो अभी आने में उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, और हमने बाइक का जो वाइजर रहता है वो भी ऑर्डर किया हुआ है। और यार फ़ोन का जो स्टैंड है वो ढीला हो गया है जिसकी वजह से फ़ोन इधर उधर भाग रहा है, और ये आ गया भाई केराना शहर यानी कि हमारी सिटी भाई, और ये हमारे फौजी भाई, सलाम है इन लोगों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं और अपनी नींद रवा के, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम चैन से रह पाते हैं। और ये देखो भाई, भाई ऐसे मत किया करो भाई, कोई बंदा पीछे से आ रहा है उसको भी देखा करो ना, अभी अगर ये घुसा देता ना तो भाई हम लोग गए थे। गाइस कल भी मेरे साथ यही सीन हुआ था और यहीं पे हुआ था जस्ट, वो यहाँ से ऐसे एक ट्रक वाला था वो ऐसे घुमा रहा था इधर से और मेरी जान बच गई भाई, मैं पूरी फुल स्पीड से इधर से आ रहा था एंड हल्के बहुत बहुत ज़्यादा कम बचा है, शायद मेरे पास क्लिप पड़ी हुई होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई लोग का रिएक्शन देख रहे हो भाई, थोड़ा आगे चलते हैं, ये वाला रास्ता भी जाता है बट थोड़ा आगे चलते हैं। और ये क्या भाई, ये क्या हो रखा है भाई, उधर यार ट्रैफिक बहुत है भाई, मेरा फ्रेंड है वो बोल रहा है कि भाई चौक से लेना था,
बट उधर बहुत ट्रैफिक रहता है ना, तो इस वजह से मैं आगे से आ गया थोड़ा। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई सूट ही देगा क्या इसमें, थोड़ा प्रेगो कर ले इसको। बच्चे को देख रहे हो कैसे उंगली उठा रहा है भाई। वो उसको अपने साथ वाले बंदे को दिखा रहा है कि भाई वो देख। तो भाई जामा मस्जिद आने वाली है, बस थोड़ा दूर हो रहे और वहाँ पर एक कैंटीन है, फिर हम वहाँ पर चलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। शुक्रिया भाई कि आज मेरे ख्याल में आज वेट नस्टे है ना, हाँ आज वेट नस्टे है, तो इस वजह से आज पूरी मार्केट बंद है और जिसकी वजह से हम लोगों को भी काफ़ी आसानी हो रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रखे यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या भाई कहाँ देख रहे हो दीदी। तो भाई ये सामने जामा मस्जिद आ गई, तो भाई ये आ गई जामा मस्जिद और हमें जाना है राइट में और फिर लेफ्ट और यहीं पे कैंटीन है नीचे में जाके। हम लोग अंदर ही लगा देते हैं भाई। सो भाई हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कैंट में हम लोग आए हैं और हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने ये सामान ऑर्डर किया है और ये हमारे भाई साकिब भाई जो भी अभी ऑर्डर लेके आए हैं जस्ट अभी। और अभी खाते पीते हैं चलो, और फिर उसके बाद हम देखते हैं यार कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। और अभी तो अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, बट आए कैंट में काफ़ी अच्छा है। जामा मस्जिद के राइट नीचे से आना है और लेफ्ट में ही आते और नीचे उतरते हुए लेफ्ट में ही है, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, काफ़ी अच्छा कैंटीन है। और हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारा सामान भी रखा हुआ है इधर। सो गाइस जैसे ही हम आज कैंटीन से निकले हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा पॉपआउट हो गया भाई, ये मेरा पहला व्लॉग था और इसी में हमारे साथ पॉपआउट हो गया भाई। जैसे हम कैंटीन से निकले हैं वहाँ पे हमें पुलिस वाले मिल गए और पुलिस वालों ने हमें वहीं पर रोक लिया और पूछने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या लगा हुआ है, ये इधर पकड़ रहे थे कि क्या लगा हुआ है। और उस वक्त मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों को क्लिप ज़रूर दिखा था। और फिर कहने लगे गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, इसका चालान कटेगा। तो भाई न्यू गाड़ी है और नंबर प्लेट अभी तक आए नहीं है, तो फिर कैसे चालान काट सकते हो आप सर, ये मैंने उनको बोला। तो फिर मैंने बातचीत के बाद उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर हम देखा था काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था, जिसकी वजह से हम लोग कहीं गए नहीं। उसके बाद हम सीधा घर पे आ गए और अभी जस्ट हम घर पे आके बैठे हुए हैं गाइस। तो गाइस क्या ही बोलूँ इस व्लॉग में, आज का व्लॉग तो पॉपआउट हो गया ना भाई पूरा। कोई बात नहीं कहा गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू।